कोलारस में 80 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाला कांड के मुख्य आरोपी पाराशर को संस्कार सिटी वृंदावन मथुरा से और अन्य दो को गिरफ्तार किया है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसी के साथ दो अन्य आरोपित पिंकी व उसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। यहां पूछताछ में पाराशर ने बताया कि भ्रत्य से कैशियर के पद के लिए वर्ष 2010 में शाखा प्रबंधक ने ठहराव प्रस्ताव कर कैशियर के पद पर पदस्थ किया। तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा आरोपित की आईडी वर्ष 2013 में तैयार करवाई, उसके बाद से तत्कालीन शाखा प्रबंधक ऑपरेटर और बाद में आए शाखा प्रबंधकों के साथ मिलकर जिला सहकारी बैंक शाखा कोलारस में अपने परिवार व परिचितों के खातों में फर्जी जमा राशियों की एंट्रियां कर उन खातों से आरटीजीएस एवं चेक के माध्यम से परिवार परिचितों तथा बैंक सहयोगी साथियों के अन्य बैंकों के खातों में जमा दिखाकर चेकों के माध्यम से नेफ्ट व नकदी के रूप में घोटाला कर घोटालों की रकम आपस में बांट लेते थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। तीन अलग अलग तरह के मामलों में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है। पहला केस जो है कोलारस का है, कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला के में 80 करोड़ रुपए का हुआ, जिसकी प्रबंधन ने जांच करके हमको रिपोर्ट दी। उसमें दो प्रकरण कायम हुए हैं। उसके जो मुख्य आरोपी थे, जो वहां पर ही कर्मचारी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ में जो वो एक प्रति अकाउंट्स अपने साथियों के, अपने मित्रों के, लोगों के बना लेते थे और उसमें फर्जी अकाउंट में पैसा दिखा के उसको NEFT और RTGS कर लेते थे, जिसमें वो अपनी ID का इस्तेमाल और अपने बैंक मैनेजर की ID का इस्तेमाल करते थे। ऐसे तीन आरोपियों को भी पकड़ा है हमने। करीबन 3 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी उनके पास में पता लगी है और अभी पुलिस रिमांड में लेकर उनसे और पूछताछ की जा रही है। इसके साथ में उनसे जुड़े और लोग जिनका पैसा निकाला होगा उन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। और करीबन 15 लोग, इन तीन के अलावा केवल 14 लोग अभी नामजद हैं और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं पुलिस, उस पर और कार्रवाई करेंगे। और ये आज आने पर इन्होंने बताया कि मुझे एक अश्लील वीडियो बनाकर मुझसे बात करके दोस्ती करके एक महिला ने बुलाया और अश्लील वीडियो बनाने के बाद 1,95,000 रुपये अलग अलग समय में ले लिए हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। तो उसमें हमारे SDOP अजय भार्गव और सुनील केमरिया साहब की टीम ने उसको उनको पूरे लोगों का पता लगाया और इसमें भी हमको 2 पुरुष और 1 महिला गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था जिसमें इस तरह के लोग ढूंढते थे, जो बातचीत करने में 2-3 महीने में दोस्ती कर ली गई। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो व्यक्ति है इसको टारगेट बनवाने वाला इसका खुद का ही पुराना परिचित है, जिसने एक महिला को बताया कि महिला ये बातचीत करने में अपने को स्मार्ट समझते हैं तो बातचीत करो इनसे। तो 1.5 महीने के अंदर ये बातचीत करने में उनकी बातों में आ गए और एक जगह इनके फोटो नेकेड फोटो वगैरह लेने के बाद में, वीडियो बनाने के बाद में इनसे इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है। एक अच्छा केस ये डिटेक्ट कोतवाली पुलिस ने किया है। दस आधार कार्ड बनवा के उनकी सिम जिसमें जो अकाउंट से लिंक करके बनाई जाती थी उसमें कुछ हम लोगों को 3 व्यक्ति पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास में केवल 200 के आसपास आधार कार्ड और 200 से ऊपर की ज़्यादा की सिम और 2 फायर आर्म्स भी मिले हैं। इनसे बातचीत में अभी इनिशियल बातचीत में ये भी पता लगा है कि इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे जो साइबर क्राइम फ्रॉड करते हैं उनको ये फर्जी अकाउंट बनाने के लिए सिम और अकाउंट नंबर देते हैं, जिसके आधार पर वो जब लोगों से हैक करते हैं पैसा निकलवाते हैं तो इस सेविंग अकाउंट से फिर पैसा वापस एग्जिट होता है। तो एक अच्छी सफलता, एक अलग तरह की सफलता जिसमें ये भी पता लगा है कि इसके लिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, बिहार झारखंड के आरोपियों के से भी लिंक है और इस तरह करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे लोगों के नाम पता लगे जो इसकी कार्रवाई को इनसे करवाते थे, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसमें हमारे SDO की GD शर्मा कनाडा और SHO संतोष भार्गव दिला उनकी टीम ने एक अच्छा काम किया है और इसमें हमको और आगे लिंक मिलेगी जिससे और पता लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।